सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटी कब ट्रोल हो जाएं, इसका अंदाजा शायद किसी को नहीं होता। रविवार रात देश की पहली महिला आईपीएस किरण बेदी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। रविवार को रूस में खेले गए फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में फ्रांस वर्ल्ड चैंपियन बना तो पुंडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी ने फ्रांस की जीत पर निराले अंदाज में बधाई दी, लेकिन ऐसा करना उन्हें भारी पड़ गया। दरअसल किरण बेदी ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए फ्रांस को फीफा वर्ल्ड कप में जीत की बधाई दी। फ्रांस के इस उपलब्धि में उन्होंने पुंडुचेरी के लोगों को भी जोड़ दिया। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, हम पुडुचेरी के लोग जो पहले फ्रांसीसी उपनिवेश का हिस्सा था ने वर्ल्ड कप जीत लिया है, बधाई हो दोस्तों। क्या मिलीजुली टीम है, सभी फ्रेंच हैं, खेल सभी को जोड़ता है। लेकिन किरण बेदी का पुडुचेरी को फ्रांसीसी उपनिवेश का हिस्सा बताते हुए बधाई देना लोगों को रास नहीं आया। लोगों ने ट्विटर पर किरण बेदी को ट्रोल करते हुए उन्हें देश प्रेम पर ज्ञान दे डाला। ट्विटर यूजर्स ने उन्हें कहा कि वो भारतीय हैं और उन्हें ऐसे पब्लिसिटी स्टंट नहीं करने चाहिए। एक यूजर ने लिखा कि क्या फिर इंग्लैंड के जीतने पर संघ राष्ट्रीय अवकाश घोषित कर देगा। वहीं कई लोगों ने इस ट्वीट को देश विरोधी बताया। कांग्रेस प्रवक्ता अजय माकन ने भी किरण बेदी के बयान को राष्ट्र विरोधी बताते हुए लिखा कि पीएम मोदी को उन्हें वापस बुला लेना चाहिए। एक अन्य यूजर ने तो यहाँ तक लिख दिया कि आप खुश हैं कि हम फ्रांसीसी उपनिवेश का हिस्सा थे और हम बेवकूफ आपको दिल्ली का सीएम बनाना चाहते थे, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि आप भारतीय क्षेत्र की गवर्नर बनी हैं, लेकिन चलिए छोड़िए। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।